एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बेबी सीवो को देखते हैं। दरअसल में यूरी की डेथ के बाद कांगवा यूरी के पेरेंट्स के घर आया था सीओ को छोड़ने के लिए, ताकि वो लोग उसका ध्यान रख सकें। लेकिन यूरी की मदर ऐसा करने से मना कर देती है। यूरी के फादर उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल ही ना बोल देती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन वो जाते जाते कांगवा से पूछती हैं कि भला तुम क्यों चाहते हो कि हम सीओ का ध्यान रखें, जिस पर कांगवा कहता है कि यूरी के बिना मैं भी जिंदा नहीं रह सकता हूं। अगर वो जिंदा नहीं है तो मुझे भी मर जाना है, और अगर आप सीओ का ध्यान रख लोगे तो मुझे फिर सीओ की चिंता नहीं होगी। लेकिन यूरी की मदर कहती है कि तुम्हें अपनी बेबी के लिए जीना होगा, और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जिस पर कांगवा भी बहुत जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो यूरी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। मिस्टर चाबी उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। अब कांगवा घर जाता है एंड सीओ का खुद ही ध्यान रखता है। उसे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख ही जाता है। अब ऐसे ही देखते देखते टाइम गुजरता जाता है और कांगवा पूरी तरीके से सीओ का ध्यान रखने लगता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि कांगवा और मिनजंग दोनों ही सीओ को लेकर घर आ रहे हैं, यानी कांगवा अपनी लाइफ में मूव ऑन करके शादी भी कर चुका है। अब यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जब कांगवा यूरी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है, और उसे तो अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होता है। मिनजंग उसे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, लेकिन कांगवा कहता है कि कुछ नहीं, और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। यूरी को भी बिलीव नहीं होता है कि सब उसे कैसे देख सकते हैं। वो यहाँ वहाँ जाके सबसे पूछ रही थी कि क्या वो उसे देख सकते हैं, जिस पर सब उसे हाँ करते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड एंजॉय करती है। इधर उधर कूदने के बाद वो जब थक जाती है तो वो साइड में जाके बैठ जाती है। अब वो ह्यूमन बन चुकी थी तो उसे ठंड भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी, और उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि अम्ब्रेला लेके मीटोंग उसके पास आ चुकी है। यूरी भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मीटोंग यूरी को बताती है कि भगवान ने तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए वापस से ह्यूमन बनाया है। पता नहीं तुमने ऐसा क्या किया जिससे भगवान तुमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। यूरी को याद आता है कि उसने भगवान को बहुत सारी गालियां दी थी, मे बी इसीलिए भगवान उसे पनिश कर रहे हैं। मीटोंग कहती है कि मरने के बाद 49 डेज तक भगवान हमें जज करते हैं, और उसके बाद ही हमें रीइनकार्नेट करते हैं, और तुम्हारा जजमेंट अब इस अर्थ पे ही होने वाला है, जिससे यूरी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यूरी कहती है तो मुझे अब यहाँ क्या करना होगा, जिस पर मीडंग कहती है कि तुम्हें अपनी प्लेस यहाँ ढूंढनी होगी। सेम टाइम पे हम मिनजंग को देखते हैं जो कि ड्रॉअर में से कुछ पेपर्स निकालती है जो कि डिवोर्स पेपर्स होते हैं। तभी उसे बाहर से सीओ की आवाज आती है और वो सीओ के पास जाती है। जब वो कुछ काम कर रही थी तब हम देखते हैं कि सीओ साइड में किसी को खड़े हुए देख के स्माइल कर रही है। वहीं कांगवा अभी भी उनके ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे यूरी जैसे दिखने वाली कौन सी वो लड़की थी जो दिखाई दी है, जिससे वो और भी ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसे पास्ट की चीजें याद आती हैं। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर पहुंच चुकी है, लेकिन वो डोरबेल रिंग नहीं कर पाती है। तभी वो देखती है कि उसकी फैमिली आ रही है, जिसे देख के वो साइड में जाकर छुप जाती है। उनका डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे वो डर के और भी ज्यादा साइड में हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी फैमिली वो डॉग को लेकर वहां से चले जाते हैं। यूरी अब अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कितने दिन अर्थ पे रहने वाली है, इसीलिए वो उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी। जिससे वो यूनजंग की शॉप पर जाती है और वहाँ पर वो बोर्ड को देखती है जहाँ पे उसकी एंड कांगवा की पिक्चर थी। वो उस पिक्चर को दूसरे पिक्चर से कवर कर देती है और वहीं पे बैठ के सोचने लगती है कि भला उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूनजंग अपने रेस्टोरेंट आती है तो वो देखती है कि बोर्ड पर किसी ने छेड़छाड़ जरूर करी है। उसके बाद वो अपना मनी ड्रॉअर ओपन करती है और वो पैसे देखने लगती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि उसमें से कुछ पैसे गायब हैं, और वो गुस्सा होती है। और गुस्सा होते ही वो डायरेक्ट ग्युनसंग को कॉल करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पैसे ग्युनसंग ने लिए हैं। लेकिन ग्युनसंग कहता है कि उन पैसों का भला मैं क्या करूंगा। दरअसल में वो पैसे हमारी यूरी ले गई थी, क्योंकि उसे भूख जो लग रही थी, वो बहुत सारा खाना खा रही थी, और ये देख के शॉपकीपर भी उसे देखती है। तभी वहाँ पे कांगवा भी आ जाता है, जिसे देख के यूरी साइड में छुप जाती है। कांगवा वहाँ आता है एंड अपने लिए ब्रेकफास्ट लेके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूरी देखती है कि कांगवा ने अपना कार्ड वहीं पे छोड़ दिया है, जिससे वो उसके पीछे जाके उसका कार्ड देने का डिसाइड करती है। यहाँ पे कांगवा का हॉस्पिटल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो पेशेंट्स को कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। इवन जब वो कैंटीन में खाना ले रहा था तभी भी उसका बिल्कुल भी ध्यान खाने में नहीं था, जिससे उसके सभी टीममेट्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जब सब बातें कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि ग्युनसंग डॉक्टर होने के साथ साथ एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। जब सब बातें कर रहे थे तभी कांगवा का ध्यान वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, जिससे एक नर्स उसे बात करने को कहती है। कांगवा कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी भी एक जैसे शक्ल के दो लोग देखे हैं, लेकिन सब उसकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो कि कांगवा का आईडी कार्ड लेकर उसके हॉस्पिटल की तरफ आ रही थी। जब वो बस में जाकर बैठती है तो उसकी सीट पर एक घोस्ट आके बैठ जाती है। तभी उसे मिंडोंग की बात याद आती है। मिंडोंग ने उससे कहा था कि किसी भी घोस्ट को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें घोस्ट दिखाई देते हैं, वरना ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। जिससे यूरी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने बस राइड एंजॉय करती है। यहाँ पे कांगवा अपने ऑफिस में था, तभी वो एक ड्रॉअर में से अपनी वेडिंग रिंग निकालता है जो उसने यूरी ने दी थी और यूरी को याद करता है। सेम टाइम पे उससे वो रिंग गिर जाती है और वहाँ पे ग्विनसंग आ जाता है। ग्विनसंग देखता है कि कांगवा नीचे लेटा लेटा रिंग ढूंढ रहा है। ग्विनसंग उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैंने कल ही यूरी की शक्ल की एक लड़की देखी है और मुझे लगता है कि वो यूरी है। जिससे ग्विनसंग उसे कहता है कि तुम कुछ भी बातें कर रहे हो। कांगवा भी गुस्सा होकर ग्विनसंग को अपने ऑफिस में से निकाल देता है। वही हम देखते हैं कि यूरी भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और वो डेस्क पे जाके कांगवा का आईडी कार्ड दे देती है। सेम टाइम पे वहां से ग्विनसंग भी निकल रहा था, जिसे यूरी दिखाई देती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके फिर से देखता है तो यूरी इस बार वहां नहीं थी। वो बहुत ही डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूरी नीचे बैठी हुई है क्योंकि उसने ग्विनसंग को देख लिया था। फिर वो वहां से भागने लगती है, लेकिन बाहर उसे पिल्सिंग फैमिली दिखाई देती है, जिससे वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है। पूरी फैमिली भी उसे नोटिस कर लेती है एंड उसके पास आके उससे बात करने की कोशिश करती है। यूरी पूरी पूरी कोशिश करती है उन्हें अवॉइड करने की, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पाती है। पिल्सिंग फैमिली समझ जाती है कि यूरी को वो लोग दिख रहे हैं और वो वहां से भागने लगती है, जिससे पिल्सिंग फैमिली भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। यहां से हमें पिल्सिंग फैमिली की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि पिल्सियंग उनके बेटे का नाम है और उसी की देखभाल के लिए वो अभी तक रीइनकार्नेट नहीं हुए हैं एंड घोस्ट बनके उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। इवन पिल्सियंग इतना बड़ा हो गया है, फिर भी उन्हें यही लगता है कि अभी वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और उसे केयर की जरूरत है, इसीलिए वो रीइनकार्नेट नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पिल्सियंग फैमिली अभी भी यूरी के पीछे पड़ी हुई है। यूरी भागती है एंड जैसे तैसे करके उनसे पीछा छुड़वा लेती है, फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांगवा को कोई इसका आईडी कार्ड देने आता है। जब वो आईडी कार्ड देखता है तो वो पूछता है कि ये आईडी कार्ड उसे किसने दिया, तो वो बताते हैं कि एक वुमन देकर गई है। दरअसल उस आईडी कार्ड पर यूरी ने कुछ डिजाइन कर दी थी और कांगवा समझ जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूरी है जो ऐसा सब लिख सकती है, जिसे वो बहुत ही शॉक में चला जाता है। तभी एक सीनियर डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि फिलहाल सर्जरी के लिए कोई और डॉक्टर नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहीं चल के सर्जरी करनी पड़ेगी। दरअसल में कांगवा को कुछ टाइम से सर्जरी करने में प्रॉब्लम हो रही थी और जैसे ही वो वापस से ओटी में जाता है उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। वो बिल्कुल ऐसे स्टेट में नहीं होता है जहां वो सर्जरी कर पाए। तभी हम देखते हैं कि उसे उस टाइम की बातें याद आने लगती हैं जब यूरी भी ऐसे ओटी में थी और उसकी डेथ हो गई थी, और इसी वजह से वो पैनिक होके वहां से चला जाता है। सेम टाइम पे हम मिंजुंग को देखते हैं जो कि दूसरे बच्चों के मदर के साथ कॉफी पे गई हुई थी, जहाँ पे सभी वेमेन मिलकर सीओ के बारे में बातें करती हैं और कहती हैं कि सीओ अपनी एज के बच्चों के जितनी स्मार्ट नहीं है, उसे और ज्यादा अच्छे टीचर्स की जरूरत है। साथ ही एक वेमेन तो मिंजुंग से कहती है कि सीओ को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए क्योंकि वो मेंटली एकदम फिट नहीं है। जिससे मिंजुंग गुस्सा होती है और कहती है कि एज अ मदर मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है, और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो वेमेन बातें करती हैं कि मिंजुंग ने कांगवा से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी करी है, उसे सीओ से कोई भी मतलब नहीं है। बाहर जाकर मिंजुंग स्कूल में फोन करके कहती है कि आज सीओ को लेने के लिए पिकअप हेल्पर आएगी, और ऐसा कहकर फोन रख देती है। सेम टाइम पे यूरी भी सीओ के स्कूल में पहुंच चुकी थी और वो अंदर जाके देखती है तो सीओ खेल रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन वो तभी देखती है कि सीओ वापस से उसी घोस्ट बच्चे के साथ खेल रही है, जिससे यूरी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वो देखती है कि वो घोस्ट बच्चा भाग के आ रहा है और उसके पीछे पीछे सीओ भी आ रही है। जैसे ही सीओ उसके पास आती है, यूरी उसे हग कर लेती है और फर्स्ट टाइम उसने सीओ को टच किया था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हग करने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। तभी वहाँ पे सीओ की टीचर आ जाती है, जिसे देख के यूरी खड़ी हो जाती है। सीओ की टीचर आके सीओ से कहती है कि आज तुम्हें ये आंटी पिक करने आई हैं, यही तुम्हें घर ले जाएंगी, जिससे सीओ खुश होकर यूरी का हाथ पकड़ लेती है, तो यूरी भी सीओ को वहां से लेके जाने को अग्री हो जाती है। सेम टाइम पे हम कांगवा को देखते हैं, जिसे प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से पूरी ही सर्जरी बिगड़ चुकी थी। प्रोफेसर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, जिससे ग्विनसंग उसे वहां से ले जाता है और कांगवा बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। ग्विनसंग प्रोफेसर को बताता है
के कांगवा के सिचुएशन सही नहीं है। वो जैसे ही ओटी में जाता है उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, जिसपे प्रोफेसर कहते हैं कि अगर उसे ये प्रॉब्लम पहले से थी तो मुझे ये क्यों नहीं बताया गया। जिस पर गुनसंग कहता है कि उसे सिर्फ ऐसा ओटी में ही होता है, जिसे प्रोफेसर भी चुप हो जाते हैं। यहाँ पे हम कांगवा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट था। आज तो वो अपने हैप्पी सॉन्ग पे गाना गाते हुए भी नहीं जा रहा था। फिर वो सीधा ही यूरी के फ्यूनरल होम में पहुंचता है और उसके पिक्चर्स देख के अपसेट होता है। तभी वहाँ पे उसे सेम डिजाइन वाली पिक्चर दिखाई देती है जो कि उसके आईडी कार्ड पे थी, और उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है कि जब यूरी प्रेग्नेंट थी तो उसने एक बार उसे स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी, लेकिन कांगवा उसके लिए स्ट्रॉबेरी लेके जाना भूल गया था, जिससे गुस्सा होके यूरी ने उसके पिक्चर पर ऐसी ड्रॉ कर दी थी और उसे इडियट कहा था। कांगवा फिर भी उसे हंसाने की कोशिश करता है। अब अपसेट होके कांगवा वहाँ से जाने लगता है। वहीं हम यूरी को देखते हैं जो कि सीओ को लेके घर आ रही थी। फिर वो सीओ के पास बैठती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही प्रिटी हो। सीओ स्माइल करती है तो यूरी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो वो कहती है हाँ। तो यूरी पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, जिसका जवाब सीओ नहीं देती है। तो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीओ प्लेग्राउंड की तरफ देखने लगती है तो यूरी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें प्लेग्राउंड में खेलना है, जिस पर सीओ हाँ करती है। तो यूरी उसे वहाँ ले जाती है। दूसरी तरफ कांगवा को मिंजंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि सीओ किसी को भी नहीं मिल रही है। अब कांगवा एंड मिंजंग दोनों ही सीओ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सीओ दोनों को ही कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। यहाँ पे यूरी सीओ को झूला झूला रही थी, जिससे सीओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन झूला झूलते झूलते सीओ नीचे गिर जाती है एंड रोने लगती है। यूरी उसके पास आके उसे हग करती है एंड उसे सॉरी कहने लगती है और बहुत ही जोर से रोने लगती है। तभी पास्ट में दिखाते हैं कि ऐसे ही जब यूरी प्रेग्नेंट थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, और ऐसी सिचुएशन में भी वो सबसे अपने बेबी को सेव करने को कह रही थी। यूरी फिर सीओ से सॉरी कहने लगती है उसे गिरा देने के लिए और जोर जोर से रोने लगती है। कांगवा भी सीओ को ढूंढते ढूंढते प्लेग्राउंड के पास आता है और वो वहाँ पे यूरी को देख के शॉक हो जाता है। यूरी भी उसे देखती है एंड शॉक हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।